बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के नाम पर लाख दावों का दम भरती है, लेकिन रेवाड़ी गैंगरेप के बाद हरियाणा में लचर कानून व्यवस्था का असली चेहरा दिखने लगा है। आलम यह है कि इन दिनों बेटियों को घर से बाहर तक निकलने में डर लगता है। माँ बाप अपनी बच्चियों को लेकर खौफजदा हैं। आप भी देखिए रेवाड़ी घटनाक्रम के पहले घंटे से अब तक की पूरी कहानी। प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और कानून के पुजारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। हवस के शिकारियों के लिए महिलाओं बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाना मानो खेल ही बन गया है। ऐसा ही मामला हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आया, जहां पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित छात्रा से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जो कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए कोचिंग क्लास गई थी और क्लास को पूरा होने के बाद रोजमर्रा की तरह घर लौट रही थी, लेकिन हवस के शिकारियों ने होनहार लड़की के भविष्य को ही कलंकित कर दिया। हवस के दरिंदों ने कनीना बस स्टैंड पर खड़ी लड़की को लिफ्ट देने के लिए गाड़ी में बिठाया और पानी में नशीले पदार्थ मिलाकर मासूम लड़की को बेहोश कर दिया। उसके बाद किसी अनजान जगह पर ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और जिसके बाद रहम नहीं आया तो लड़की को बेहोशी की हालत में कनीना बस स्टैंड पर फेंक कर फरार हो गए। कोचिंग पे उसको किडनैप किया गया। किडनैप करके मेरी बेटी को शाम को 4 बजे बस स्टैंड से किडनैप किया और उधर ही छोड़ के नशे की हालत में मेरी बेटी को एक पंकज और मनीष नाम का लड़का उठा के लेके गया है किसी कुएं पे, और कुएं पे और बच्चे थे, निशु भी था उनके साथ में, और मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हाल किया है। मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाए कहाँ जाए कहीं भी नहीं जा रही, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ जी न्याय। घटना के करीबन 100 घंटे के बाद रेवाड़ी SID को कहने को बड़ी सफलता तो मिली, जिसमें रेवाड़ी गैंगरेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को हाथ लगा ये शख्स निशु, वही मुख्य आरोपी जिसने घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया था, जिसने जगह का इंतजार किया जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, खुद निशु ने भी अपने साथियों के साथ गैंगरेप में शामिल हुआ था। गैंगरेप के लिए जगह देने वाले डॉक्टर संजीव को फोन कर बुलाया। वहीं पुलिस ने अपने कामयाबी के पन्नों को बढ़ाने के लिए इसके अलावा इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गांव का डॉक्टर संजीव और दीनदयाल नाम का शख्स है, जिसे क्राइम करने के लिए कमरे की चाबी दी थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में डॉक्टर संजीव इसलिए आरोपी है क्योंकि उसने सही समय पर पुलिस को जानकारी नहीं दी। पुलिस की माने तो जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की और 3 लड़के के कब्जे में है। लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वो होश में नहीं थी, तो बात उसने पुलिस को नहीं बताई। वहीं पुलिस के हाथ लगा आरोपी दीनदयाल इसलिए मामले के में गिरफ्तार किया गया क्योंकि दीनदयाल उस कमरे का मालिक था जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वो अच्छे से जानता था कि जगह पे क्या इस्तेमाल होने जा रहा है। कॉल डिटेल से पता लगा कि निशु ने उसे ही कॉल कर कहा था कि हमें कमरे की ज़रूरत है और उसने चाबी दे दी। साथ ही पुलिस की माने तो करीबन 100 से ज़्यादा लोगों में इस मामले में अब तक पूछताछ हो चुकी है। मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, जहां वारदात को अंजाम देने के लिए वहां से भी फॉरेंसिक टीम ने कई सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि कानून के हाथों को लंबे बताने वाली पुलिस के हाथ इतने छोटे पड़ गए हैं कि इतने बड़े गैंगरेप के आरोपी उनके हाथ ही नहीं लग पा रहे। पुलिस की नाकामी का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने गैंगरेप आरोपियों को पकड़ने के लिए इनाम की राशि तक घोषित करनी पड़ी। आपको बता दें कि देश भर में इस गैंगरेप कांड से कोलाहल से तो पहले ही CM मनोहर लाल खट्टर साफ बसे नजर आ रही हैं। कितने घंटे हो चुके हैं अभी तक रेपिस्ट पकड़े नहीं किए हैं। क्या बात कर रहे हो आप, क्या विषय आपका है? लेकिन मामले के मुख्य आरोपी के गिरफ्त में आते ही मीडिया की शाबाशी बटोरने और विरोधियों को जवाब देने के लिए मनोहर लाल से बिल्कुल देर नहीं की। रेवाड़ी मामले को बहुत सख्ती से हम डील कर रहे हैं और उसमें पुलिस को स्पष्ट निर्देश है कि शीघ्र जो असली दोषी उनको पकड़ा जाए। एक उसमें से व्यक्ति कल पकड़ा जा चुका है, 2 व्यक्ति बहुत जल्दी पकड़ में आएंगे। और मैं जनता से अपील भी करता हूँ, जो भी उन लोगों को जो 2 नहीं पकड़े जा रहे हैं उनको अगर संरक्षण उनको ना दिया जाए, और यदि कोई संरक्षण देगा तो हम कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भी करेंगे जो उनको संरक्षण देगा, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी पुलिस को हैंड ओवर। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि ये निशु की गिरफ्तारी क्या वाकई हरियाणा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अभी भी 2 अहम आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ANV न्यूज के लिए नवीन दलाल की रिपोर्ट। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए ANV न्यूज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।